गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स में मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि जिसका न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए, जिसका न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि उसमें न्यूमरेटर ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा और डिनोमिनेटर कम होगा, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 8, यानी कि हमारा न्यूमरेटर 8 होना चाहिए सब में और क्या बनानी है हमें, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो कम होगा, तो हम 8 से कम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 8। इसमें हमारा डिनोमिनेटर 8 होगा, तो डिनोमिनेटर यानी कि कम होगा, ऊपर वाला ज़्यादा, यानी कि इसमें आप 8 से ज़्यादा कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको 6 की मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी और उसमें 3 प्लस करना पड़ेगा। देखिए, 6 टू जो 12 और 3 15, तो ये हो गया आपका 15 अपॉन में 6। ऐसे ये वाला पार्ट करना है, 7 5 से 35 और 3 38, तो 38 अपॉन में 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको जो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप डिवाइड कीजिए, 320 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा 6, रिमाइंडर बचेगा 2 और 3, तो इसका आंसर आएगा 6:2/3। इसी तरीके से ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, 5.18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3:3/5। ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से कंप्लीट करनी है। थैंक यू।